अभी हम लोग मौजूद हैं उच्चैठ धाम मंदिर में, और ऐसा मान्यता है कि यही मंदिर है जो मंदिर में कालिदास अज्ञानी जो है वो महामूर्ख से महाज्ञानी बने, और वो इतने महा अज्ञानी थे कि काली माता को भी कालिक पोत दिए थे। मेरे सामने में पत्रकार लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। विजय जी कहाँ आए हैं? सर अभी जो आए हैं अपना लोग ये उच्चैठ धाम मंदिर है। हाँ, उच्चैठ धाम मंदिर आए हैं जो कि मधुबनी जिला के बासुपट्टी प्रखंड में स्थित है। हाँ, बेनीपट्टी प्रखंड में स्थित है, और यहीं से जो है जो कालिदास जो महामूर्ख जो है वो महाज्ञानी बना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं। और भी यहाँ पे है और कुछ पत्रकार लोग हैं, और जानना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। राहुल जी बताइए, इस मंदिर की क्या खासियत है? ये खासियत यहाँ मंदिर की है कि यहाँ पे जो मूर्ख कालिदास थे उनको यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था। हाँ, उन्हें माता के द्वारा आशीर्वाद दिया गया कि आप जितना पेज उल्टेंगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा। हाँ, 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 तो यहाँ पे यही प्रसिद्ध है कि आप भी आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए माता का और कालिदास के बारे में और माता के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं ये उच्चैठ धाम मंदिर है और बहुत ही अच्छी मंदिर है। यहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, मधुबनी से आते हैं, पटना से आते हैं। और ये देखिए ये पौराणिक मंदिर है, अंग्रेजों के जमाने से पहले ये मंदिर बना हुआ है, देख सकते हैं। उच्चैठ धाम मंदिर है और ये मंदिर का ऐतिहासिक धरोहर ये मंदिर है, और मंदिर के बगल में पोखर है। और यहाँ पे ये मान्यता है कि यहाँ जब बलि प्रथा होती है तो बलि प्रथा के वक्त जो ब्लड निकलता है, खून निकलता है, उस खून में मक्खियाँ नहीं लगती है। और भी यहाँ पे तरह तरह के पत्रकार लोग सब है। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार सर। संजीत जी कहाँ आए हैं? उच्चैठ धाम मंदिर आए हैं। यहाँ मंदिर में क्या मांगने आए हैं माता जी से? फिलहाल अभी कुछ मांगने नहीं आए हैं। ये बताइए, ये मंदिर वह मंदिर है जहाँ पे अज्ञानी कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या मांगने आए हैं? नहीं, वही हमको जो मांगे क्या सर, अपने देता है तो उनसे मांगे क्या? यहाँ कुछ मांगने नहीं आए हैं, अपने देता है सब। अच्छा, इस मंदिर के बारे में आपको पता कैसे चला? नहीं, पता तो गूगल से चला, अभी गूगल बाबा गूगल चला था। वैसे आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर जो है नेमुआ है सर। नेमुआ है, मधुबनी जिला में है जी। देखिए मधुबनी जिला से पत्रकार लोग हैं वो भी आए हुए हैं, और देखिए यहाँ पे ये मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर में तरह तरह के लोग आते हैं, हर जगह के लोग आते हैं, और देख सकते हैं जो भी दार्शनिक स्थल है बहुत है। बाबा क्या नाम हुआ आपका? रामविलासा। ये मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ जो कालिदास थे वो अज्ञानी थे। हाँ। और इतने अज्ञानी थे कि माता काली के मुंह पे कालिक पोत दिए थे। सही बात है? हाँ, सही बात। तो उनको ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी जी। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर की क्या खासियत है? यहाँ अपरूपी है। अपरूपी है जी। क्या बात है, अपरूपी यहाँ महाकाली को निकला था जी। और कालिदास जो है जिस लाइब्रेरी में खाना बनाने थे कहाँ पे है? बांसडी में है। और देख सकते हैं यहाँ से कुछ दूर बगल में है बांसडी है, और बांसडी में कालिदास खाना बनाने के काम करते थे। फिलहाल हम ये जो आपको जानकारी दे रहे हैं ये कुछ मित्रों के साथ दे रहे हैं जानकारी। और उच्चैठ धाम मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में बता दें, और देखते रहे। धन्यवाद, मैं प्रमोद कुमार।